दोस्तों कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन कभी कभी हमारे दिल को वो मानने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए होता है जिसे हमारा दिमाग स्वीकार कर चुका होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे कि 69,000 में बीएड को लेकर जो विवाद चल रहा था, बहुत सारी याचिकाएं जो थी अदालत में दायर हो चुकी थी, उस पर अभी अगले महीने सुनवाई भी होनी है, तो इस विवाद का लगभग निपटारा कर दिया गया है। कैबिनेट ने एक संशोधन किया है और इस संशोधन पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है और अब सारा विवाद लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के इस मॉर्निंग न्यूज को, और सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, बीएड योग्यताधारियों को जो मौका दिया गया था ये तो पहले से ही मिल चुका था, लेकिन जब आवेदन लिए गए तो आवेदन के समय बात ये उठी थी कि परिषद की अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन नहीं हुआ है। योगी सरकार ने एनसीटीई के निर्देश को अब जाके मान्य किया है, और हालांकि क्योंकि अध्यापक सेवा नियमावली में उस समय ये मान्यता नहीं मिली थी, तो इसको लेकर कई सारी याचिकाएं जो थी वो अदालत में दायर हो चुकी हैं। और फिलहाल फ्रेंड्स, ये संशोधन हो चुका है और अब इस संशोधन के बाद जो रही सही कसर है वो पूरी हो चुकी है। मतलब ये कि अब बीएड जो है वो अपने अक्षुण रूप में 69,000 और सभी आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बना रहेगा। शर्त बस इतनी सी रहेगी कि बीटीसी को कोई प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ेगा, वहीं पर बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात 2 वर्ष के अंदर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। और ये जो नियमावली लागू हुई है इसमें ये कहा गया है कि 28 जून 2018 को, याद कीजिए ये वही दिन है जिस दिन एनसीटी ने अधिसूचना जारी की थी कि प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए बीएड प्रशिक्षण को मान्यता दी जाती है, तो उसी दिन से उत्तर प्रदेश की अध्यापक सेवा नियमावली में भी इसे जो है मान्य कर दिया गया है। ध्यान रहे कि 69,000 पदों के लिए 4,31,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से बढ़ने का कारण बीएड योग्यताधारी ही थे, क्योंकि इसके पहले 68,500 में इतने आवेदन नहीं हुए थे। हालांकि कटा प्रकरण को लेकर यह भर्ती विवाद में फंस गई है और इस पर अगले माह सुनवाई होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि अगले 10 दिन के अंदर आपको एक रिवाइज आंसर की 69,000 की देखने को मिल सकती है। हालांकि ये न्यूज बहुत ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन संभावना इस पर जताई जा रही है। और फ्रेंड्स, इस खबर के बारे में बहुत सारे अखबारों में ये खबरें पब्लिश हुई हैं, और कल मैंने इसका जो ड्राफ्ट था उसके बारे में भी लेकर आपको डिस्कस करके पूरी बात बताई थी, ड्राफ्ट के अंदर क्या लिखा गया है। और जो लोग उस ड्राफ्ट को नहीं देखे हैं, वीडियो को देखना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूज है कि प्रदेश कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग की सहायक अध्यापक भर्ती में बीटीसी के साथ बीएड की मान्यता देने के फैसले को नियमावली के परिशिष्ट में शामिल कर भविष्य में किसी भी कानूनी दावपेच की गुंजाइश को समाप्त कर दिया है, और इसके लिए नियमावली में जरूरी संशोधन जो है वो कर दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पर शर्त यही रहेगी कि 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा, और हालांकि अब ये जो संशोधन हुआ है इसके बाद अब बीएड लगभग पूरी तरह से सेफ है, अब प्राथमिक में उसका अस्तित्व जो होगा वो बना रहेगा। और फ्रेंड्स, ये जो संशोधन है वो 25वां संशोधन है, 2019 में किया गया था। आपको बता दें कि गुणांक निर्धारण में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी के द्वारा एकेडमिक का 10% जोड़ा जाता है। सरकार फरवरी 2019 में नियमावली में संशोधन के दौरान परिशिष्ट में दर्ज गुणांक निर्धारण के फार्मूले में संशोधन करने से चूक गई थी, तो ये संशोधन भी अब कर दिया गया है। पहले सिर्फ वहां पर बीटीसी का ही उल्लेख मिलता था, लेकिन अब वहां पर बीएड को भी शामिल कर लिया गया है। यूपीपीएससी कार्यालय की तलाशी के लिए अदालत से मांगा सर्च वारंट। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में धांधली के मामले में परीक्षा नियंत्रक सहित 2 जेल में बंद हैं। निदेशक बोल रहे हैं कि आयोग सहयोग नहीं कर रहा है और जो जरूरी दस्तावेज हैं वो आयोग नष्ट कर सकता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की तलाशी के लिए मंगलवार को अदालत ने प्रार्थना पत्र देकर पुलिस ने सर्च वारंट मांगा है। पुलिस को आशंका है कि धांधली से संबंधित जो अहम दस्तावेज हैं वो नष्ट किए जा सकते हैं, यदि इन्हें कब्जे में लिया जाना
बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हालांकि इस पर सुनवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अदालत के विशेष न्यायाधीश के अवकाश से लौटने की बाधी होगी। आपको बताते हैं फ्रेंड्स कि 28 मई को चोलापुर थाने में 9 लोगों के खिलाफ एल्टीगेट पेपर लीक प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया गया था और प्रिंटरी प्रेस मालिक कौशिक कुमार और परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को गिरफ्तार कर लिया गया था। विवेचक सीओ पिंडरा अनिल कुमार राय के अनुसार बीती 31 मई से आयोग से मुकदमे से संबंधित सवालों के जवाब और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, लेकिन इस पर आनाकानी की जा रही है। तो इसके बाद सर्च वारंट के बारे में पुलिस ने अदालत में एक याचिका दायर की है। और भर्ती परीक्षा में धांधली के साथ अन्य जो नामजद आरोपी हैं उनके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है, हालांकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और सूचना यह मिल रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं को स्थगित तो कर ही चुका है, साथ ही एल्टीग्रेड भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया भी स्थगित हो चुकी है। नई परीक्षाओं के आयोजन में कम से कम 3 माह का वक्त लगेगा। नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद प्रिंटिंग प्रेसों के चयन समेत कई औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और इसके बाद नए सिरे से परीक्षा कैलेंडर का कुछ जो है जारी किया जाएगा। और यहाँ पर एल्टीग्रेड के बारे में जो अभ्यर्थी हैं वो 2 धड़ों में बटे हुए हैं। एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि परिणाम जारी करके नियुक्ति दी जाए, दूसरा धड़ा ऐसा है जो पूरी प्रक्रिया को निरस्त करके फिर से परीक्षा कराने के बारे में मांग कर रहा है और दोनों ही अपने अपने स्तर से जो है विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है और उस पत्र में लिखा है उन्होंने कि सचिव और अध्यक्ष को बदल दिया जाए और उनकी जगह पर ईमानदार अफसर को तैनात किए जाने के बारे में बात की गई है। और आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 23 अप्रैल को शिक्षकों के 558 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। 22 मई को आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित थी, इंटरव्यू की तिथि घोषित होने का इंतजार था, लेकिन भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर तमाम शिकायतें मंत्रालय में लंबित हैं और उसके बाद यहाँ पर MHRD ने इस पूरी प्रक्रिया पर जो है वो रोक लगा दी है। हालांकि फ्रेंड्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती पर रोक लगाए जाने का आक्टा ने विरोध किया है। मंत्रालय से रोक लगाए जाने संबंधी आदेश यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद आक्टा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को इमरजेंसी मीटिंग की और इस प्रस्ताव की उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से शिक्षक भर्ती नहीं हो पाएगी और छात्र छात्राओं का नुकसान होगा। हालांकि अब देखना यह है कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ती है, क्योंकि शुरू से ही ये प्रक्रिया बहुत हद तक जो है विवादित रही है। प्रयागराज में हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी डायट हैं वहाँ पर UPTET 2018 के सर्टिफिकेट या तो मिल रहे हैं या तो आगामी 10-15 दिनों में मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रयागराज में 17 जून से ये जो प्रमाण पत्र हैं वो बटेंगे। अभ्यर्थी जो हैं वो अपने साथ में प्रवेश पत्र, 2 फोटो, पहचान पत्र, हाई स्कूल से स्नातक और BEd BTC के अंक पत्र और प्रमाण पत्र की मूल कापी के साथ सभी छायाप्रति और अभ्यर्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही साथ एक प्रारूप, एक पेज है जिसको भर कर ले जाना होगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा और सभी जानकारियों को उस पर मेंशन करने के बाद अपने जो भी अटेस्टेड फोटोकॉपी जो होंगी छायाप्रतियां उसके ऊपर लगाकर एक फाइल बना के आप जमा करेंगे। मूल दस्तावेजों से आपकी जांच होगी, उसके बाद आपको आपका प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 सीधी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी किए हैं। इसमें कृषि विपणन और विदेश व्यापार विभाग में सहायक कृषि विपणन निरीक्षक, सहायक वर्गीकरण निरीक्षक के 94 पद भी शामिल हैं। इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी नार्को एनालिसिस के 2 पदों पर राजेश कुमार जायसवाल और गौरव कुमार राय और वैज्ञानिक अधिकारी लाइट डिटेक्शन के 2 पदों पर विवेकानंद त्रिपाठी और परमार अनंत सिंह नारायण को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया है। TGT अवशेष पैनल में शामिल प्रतियोगियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव किया। प्रतियोगियों की मांग है कि चयन बोर्ड की ओर से घोषित TGT के रिजल्ट के अवशेष पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को विद्यालयों का आवंटन किया जाए। हालांकि अध्यक्ष ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अवशेष पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को उसी शर्त पर विद्यालयों का आवंटन किया जा सकता है
जब अभ्यर्थी पद पर सफल अभ्यर्थी ज्वाइन न करें, ज्वाइन न करने की दशा में अगर पद रिक्त होंगे तो अवशेष पैनल के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जा सकती है। अवशेष पैनल में शामिल होने मात्र से यहाँ पर संस्था आवंटन दिया जाएगा, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करते TGT अभ्यर्थी। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी खबर ये भी है कि अगर आप हिंदी या संस्कृत विषय से 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं या स्नातक हैं तो आप 6400 पदों के सापेक्ष हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत कांस्टेबल और SI सब इंस्पेक्टर के पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आवेदन शुल्क जो होगा वो अलग अलग है। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है और 26 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। वेबसाइट है www.hssc.gov.in। और फ्रेंड्स, ऐश्वर्या, प्रखर, प्रतिभा, प्रिया और प्रेरणा ये जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर बने हैं। नेगेटिव मार्किंग न होने से BA, BCom, BSc, होम साइंस का रिजल्ट 90% से अधिक रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने BA, BSc, BCom, BSc, होम साइंस की प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। पूरी न्यूज आप हमारे फेसबुक पेज पर आकर पढ़ सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए विज्ञप्ति जारी की है। बताया है कि सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन के पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सकीय जांच के लिए सांकेतिक सूचना उन्होंने दी है और ये बताया है कि 6 जून को प्रकाशित कर दिया गया है मुजफ्फरपुर की सूचना पट और वेबसाइट पर। अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 जून से 3 जुलाई तक किया जाएगा। रोल नंबर के अनुसार दस्तावेज सत्यापन की तिथि एवं समय का विवरण रेल भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर के आधिकारिक वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, पर उपलब्ध है। और कोई प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा, आधिकारिक वेबसाइट को जो अभ्यर्थी हैं वो नियमित रूप से देखते रहें। तो फ्रेंड्स, ये हैं आज की बड़ी खबरें और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इस सेशन को लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग देखते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम आते हैं। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? देखिए, आपका लाइक जो होता है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेज स्टार्ट करें और आपकी हर संभव मदद करें बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। आके दीजिए नमस्कार। जय हिंद।